नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं 14 अगस्त के राशिफल के, 12 की 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं हमारी मेष राशि के बारे में। मेष राशि की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए शानदार बना हुआ है। यदि आज किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन दिन है। आज किसी भी काम की आप शुरुआत कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो आज सितारे आपके पक्ष में, आज आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं से भी आज आपको धन लाभ होता हुआ नजर आता है और सितारे पक्ष में है, तो जिस काम में हाथ डालेंगे आज का दिन आपका काम पूरा होता हुआ नजर आता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की बात करें तो आज आपके लिए दिन अच्छा है और आपके काम में आप रुचि लेंगे, पूर्ण आर्थिक लाभ बना हुआ आपका दिखाई देता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करूं तो आज थोड़ा सा दिन आपके लिए डल रह सकता है। आज किसी ना किसी चीज को लेकर एनर्जी डल रह सकती है, डाउन रह सकती है, तो आज का दिन छोटी मोटी बातों को अवॉइड करके दिन पूरा शांति से बिताएं तो आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करें तो आज आपके लिए दिन शुभ है, लाभकारी बना हुआ है और आज किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है आज अपने व्यापार में व्यस्त रहते हुए आप नजर आते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है। वैसे काफी मेहनत कर रहे हैं आप और आज का दिन भी मेहनत में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शाम होने तक मेहनत का पूर्ण रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो आज का दिन शानदार लाभ देता हुआ नजर आता है। आज का दिन आपके लिए काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें और व्यापार में यदि कोई भी काम करते हैं, पैसे से रिगार्डिंग लेन देन का काम है, उस पर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कार्य कीजिए। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके नजरों के आगे से कोई आपके साथ धोखा ना कर ले, तो आपको हर चीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है, खासकर व्यापार पर। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, मानसिक और शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, तो आप अपने जो कष्ट बना हुआ है उससे सावधान रहने की जरूरत है। आज किसी से बेमतलब में विवाद ना कीजिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करूं तो आज का दिन खुशनुमा है, हर तरफ से खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। आज का दिन आपको कोई विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, आज का दिन कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन खासतौर पर बहुत अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए साधारण है। आज का दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है आज आप किसी की सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज कोई भी कार्य करने से पहले किसी की सलाह लीजिए, खासकर अपने घर के बड़ों की सलाह लीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी और काफी आपको लाभ देने वाली रहेगी। बात चाहे छोटी सी है, लेकिन अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ चीज कहते हैं ना, हमारा अच्छा नहीं हो रहा, तो हम ऐसा क्या करें, बड़ों की सलाह लेके कार्य कीजिए। अगर वो किसी भी चीज के लिए उनको आभास होता है और वो कहते थे ना बेटा ये काम नहीं करना और आप नहीं करते, तो वो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। वैसे तो आपको थोड़ा सा शरीर को लेकर कष्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ सोच सकते हैं, तो आज का दिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई किसी तरीके की टैबलेट आप लेते हैं तो वो लेते रहिए, आज का दिन स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है। वैसे ओवरऑल दिन आपके लिए ठीक है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की बात करें तो आप जो मेहनत कर रहे हैं या जो आपकी दौड़ भाग में पूरा दिन बीत रहा है, वो आपको आज का दिन रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है। तो मेहनत अगर करनी पड़ रही है तो रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। ये था 12 की 12 राशियों का हाल। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगले दिन के साथ, अगली राशियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और साथ ही साथ जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।